नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम पांडे। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो। आज बात करेंगे हम लोग पांच म्यूचुअल फंड जिन्होंने मैक्सिमम रिटर्न्स बना कर दिए। जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है वहां पे रिस्क का भाई थोड़ा सा चांसेस बन जाते हैं। हमारे इकोनॉमी के अंदर चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के एमसी अवेलेबल है और उन सारे एफसी में बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है। अब उनमें से पांच को सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आज हम जिस भी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, कमाल के रिटर्न्स बना के दिए। आपने अगर बहुत सारे आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, शामिल हैं, और आप चाहते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड्स और अवेलेबल हो, शामिल हो जाए, या आप नए इन्वेस्टर्स हैं और चाहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करें, और आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश में जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को छोड़ सकते हैं। और नो डाउट लॉन्ग टर्म में अगर पैसे छोड़ेंगे तो भाई रिटर्न्स मिलने वाला है, मिलता है, सब जगह मिलता है, आपको यहां मिलेगा। तो पांच फटाफट देखेंगे और उसके एनालिसिस करेंगे, क्या सच में जो मैंने लिया है उस स्कीम के अंदर पोटेंशियल है, दमखम है। आप भी अपना कमेंट जरूर करिएगा, अपना सहयोग जरूर दिया करिए, ताकि ओवरऑल एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच जाए कि भाई जो हमने म्यूचुअल फंड लिया है, जो स्कीम्स लिया है, लोगों का उस पर क्या रिएक्शन है। बिकॉज ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स मैंने लिए वो अपने एनालिसिस के बेसिस पे लिया। आपकी अलग बेसिस हो सकती है, एनालिसिस हो सकती है, बट हाँ जो भी है बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो है हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा, सॉरी एसबीआई स्मॉल कैप। अब देखिए एसबीआई स्मॉल कैप का जो मेन पर्पस है कि भाई ये स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप यानी कि आपको 250 जो कंपनियां हैं उसके ऊपर के रैंक वाली कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है। नो डाउट ये थोड़ा सा रिस्की और वॉलेटाइल होता है बाकियों से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, चढ़ेगा तो वो तेजी से, उतरेगा तो चढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स पर हम लोग फोकस करते हैं। क्या है देखिए, इसने एक साल के अंदर 40% का रिटर्न्स बना के दिया है, 3 साल के अंदर 25% रिटर्न्स बना के दिया है, 5 साल के अंदर 30% के रिटर्न्स, 10 साल के अंदर 24%, और सिंस अभी तक यानी मोर देन 10 ईयर्स पुराना फंड है, 2013 में आया था, और इसने 27% का रिटर्न्स बना के दिया है। 27% रिटर्न्स जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न्स माना जाता है। हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि अगर मान लीजिए हमें 18 से 20% या 15 से 20% के बीच में भी रिटर्न्स मिल जाए तो हम लोग को लगता है कि यार दैट्स गुड, बढ़िया रिटर्न्स है, क्योंकि बाकी एफडी और एलआईसी इन जगहों से तो मुझे अच्छा रिटर्न्स मिल जा रहा है। इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जो देखिए 2009 में फंड आया था, 2009 की फंड है, और ये हमारा 33,000 करोड़ की फंड साइज हो गई है। कमाल का, बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बड़ा फंड साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.63 जो कि बहुत कम है। शार्प रेशियो जो कि आपका रिस्क एडजस्टमेंट शो करता है, एक के नीचे अगर रहता है तो भाई थोड़ा दिक्कत है, पर मोर देन वन है, दैट्स गुड। अल्फा शो करता है कि इसने अपने बेंचमार्क से कितना अधिक रिटर्न बना के दिया है, दैट्स गुड, 5.39। बीटा 1 के नीचे अगर है दैट्स गुड, मीन 20 के ऊपर दिख रहा है दैट्स गुड, और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 के नीचे है दैट्स गुड। तो ओवरऑल करें हम लोग तो भैया ये बहुत बढ़िया फंड है, लेकिन इसमें आप लमसम नहीं कर सकते, इसमें एसआईपी आप कर सकते हैं। एसआईपी करने का बहुत बढ़िया मौका है इस समय, एसआईपी करने का, तो आप यहाँ पे एसआईपी करके एक अच्छा रिटर्न्स पा सकते हैं। दूसरा मैंने फंड लिया है वो लिया है निपोन इंडिया स्मॉल कैप। निपोन इंडिया यानी कि इसका नाम सबने सुना है, बहुत चर्चित और बहुत एक कहिए तो कमाल का फंड है, सबने नाम सुना है सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि नाम नहीं सुना है, सबने कमाल का फंड है, और सबने कमाल के जो है उसने अपना एक वर्चस्व है बना करके रखा है। तो इसमें हम लोग अगर
इसके रिटर्न्स बहुत कमाल के साथ। आप यहाँ देखते हैं रिटर्न्स पे, आप जब भी फोकस करिए, जब भी बात करिए, तो रिटर्न्स भाई उन्होंने कमाल का दिया। बहुत पुराना फंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और पुराने फंड के साथ इसने लगभग 50% का रिटर्न्स बना के दिया है विथ इन 1 ईयर। 32% रिटर्न है 3 ईयर्स के अंदर, एंड 38% 5 ईयर्स के अंदर, 24% का 10 ईयर्स के अंदर, और 28% 28% का रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के लिए। ये बहुत अच्छा रिटर्न्स माना जाता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, देन आप ये उम्मीद करके चलिए भैया 15 से 20% का ही रिटर्न हमें क्या होने वाला है, मिलने वाला है। इससे ज्यादा रिटर्न की चिंता मत करिए, आप कोशिश ही मत करिए कि इससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा। और क्यों चाहते भाई आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिले? अब बाकी जगह से तो भाई बेहतर रिटर्न मिल रहा है। उम्मीद जो होती है ना, वो लोगों को हतोत्साहित करती है, डिमोटिवेट करती है। उम्मीद मत लीजिए, क्योंकि उम्मीद आप करेंगे ना तो भाई नो डाउट है, बिल्कुल नॉर्मल है कि जब आप उम्मीद करेंगे तो लगेगा कि यार अभी तो मुझे 20% रिटर्न मिला है, कम रिटर्न है, इससे ज्यादा रिटर्न की मुझे जरूरत होगी। क्योंकि आपने ये जूम करके लेगा मुझे 50% रिटर्न मिला है, एंड इन दिस केस अगर 50% रिटर्न नहीं मिलते, देन आप सभी सभी लोग थोड़े से क्या होते हैं कि डिमोटिवेट होते हैं। बट हमें आपको नॉर्मल है कि भाई आपको क्या करना है कि 15 से 20% का रिटर्न बना करके सोच के चलना है। बात करें 2013 में आया था फंड, 61,000 करोड़ की फंड साइज है सर, 60,000 करोड़। अब आप अनुमान लगाइए, 60,000 करोड़ की फंड साइज है। अब इसमें आपने देखा कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.65, शार्प रेशियो 1.61, एंड द अल्फा जो है वो है 8 पॉइंट, कमाल का अल्फा है। बीटा 1 के नीचे ट्रेंड कर रहा है, मीन डेविएशन कमाल का सर, मोर देन 25, 30 के करीब लग रहा है, 30 के ऊपर दिख रहा है, एंड 15 के नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ओवरऑल इस फंड के अंदर कैपेबिलिटी है, इफिशियंसी है, ये फंड एक अच्छा आपको रिटर्न्स जनरेट करके लॉन्ग टर्म के लिए देता है। लॉन्ग टर्म का मतलब कि मोर देन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न्स बना करके दे सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो आप ऐसा मत समझिए कि भाई मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो पैसे का मतलब है कि भैया मैं 2 साल 3 साल 4 साल के पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और देन आफ्टर हम लोग भाई, तो इस तरह से आप करेंगे तो दैट्स आई थिंक मुझे लगता है कि भाई ये सूट नहीं करेगा, इट्स नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। जो थर्ड फंड है वो हमारा क्वांट स्मॉल कैप का है, और इसने जो है अपने बेंचमार्क रिटर्न्स को बीट किया है 1 साल के अंदर। बेंचमार्क ने 51% का रिटर्न बना के दिया, वहीं पे 56% का रिटर्न बना के दिया है। 3 ईयर्स के अंदर 32% रिटर्न है, और 5 साल के अंदर 49% का रिटर्न इसने बना करके दिया। कमाल का है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा 22% का रिटर्न जो है वो यहाँ पे बना करके 10 ईयर्स के दिया। ओवरऑल देखिए 20% रिटर्न है, एंड मैंने ऑलरेडी बोला कि भैया आप जरूर रिज्यूम करिए, 50 से 20% रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब है कि दैट्स गुड रिटर्न। आप बहुत ज्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो भाई बहुत दिक्कतें होंगी। अब इसमें हमारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस फंड के बारे में, तो हमारा जो फंड है ये 2013 में आया था, और इसकी फंड साइज है सर 25,000 करोड़, जो कि एक बहुत मतलब है, ये तो ह्यूज फंड साइज, छोटा मोटा फंड साइज नहीं है, बहुत ह्यूज फंड साइज है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा 0.64% का एक्सपेंस रेशियो, जो कि बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे शार्प रेशियो 1.41, दैट्स गुड। अल्फा बहुत बढ़िया, कमाल का अल्फा है 6.36 का। बीटा 1 के नीचे है, दैट्स गुड। और मोर देन 30+ मीन है, दैट्स गुड। एवरेज दिया है 17.41% जो है वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, 20 के नीचे, 20 के नीचे होता है, दैट्स गुड। तो ये हमने तीन फंड्स को कवर किया, इन तीन फंड्स के अंदर आपको कौन सा फंड इन तीनों में लगा जरूर कमेंट करिएगा। इसके बाद हमने जो फंड्स लिया है, जो सेलेक्ट किया है, वो हमारा है बहुत नई, पुरानी फंड नहीं, नया फंड है। हमने लिया है एसबीआई निफ्टी 250 इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को मैंने कवर किया क्योंकि इंडेक्स फंड में थोड़ा सा एक अच्छा रिदम देखने को मिल रहा है। तो 50% का रिटर्न बना के दिया है 1 ईयर के अंदर, दैट्स बहुत बढ़िया रिटर्न है, मोर देन द बेंचमार्क रिटर्न और कैटेगरी एवरेज से भी बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। ये फंड 2022 में आया था सर, बहुत पुराना फंड नहीं है, बहुत नया फंड है, बहुत नया फंड मतलब कि 2 साल पुराना फंड है।
इसकी फंड साइज आप देख रहे हैं कि फंड साइज में बहुत बड़ा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, 1000 करोड़ करीब फंड साइज है, और एक्सपेंस रेशियो 0.41, और देन बाकी अदर एनालिसिस इंफॉर्मेशन नॉट गिवन बिकॉज ये फंड बहुत पुराना फंड नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा। इस फंड की खासियत ये है कि सर निफ्टी में डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट होते हैं, इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इंडेक्स के साथ साथ क्या करता है अपना चाल बदलता है। जो मैंने लास्ट फंड लिया है वो है हमारा मोतीलाल ओसवाल, लास्ट फंड है हमारा मोतीलाल ओसवाल का, और इस फंड के अंदर जो है रिटर्न्स 58% रिटर्न्स हैं एक साल के अंदर, अभी तक इसने 68% एवरेज रिटर्न्स बना के दिया, और मैंने बार बार बोलते हैं सर कि 15 से 20% का रिटर्न्स पे ही आपको धैर्य रखना है, अधिक मिल गया तो इसमें कोई बढ़िया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको 15 से 18% रिटर्न्स पे आ जाते हैं आप तो आप बिल्कुल खुश रहिए कि भाई मुझे मैंने इसी टारगेट है 15 से 20% का रिटर्न्स, 80-20 के रिटर्न्स मिल जाए दैट्स गुड, अब हम इससे अधिक रिटर्न्स मिल जाए तो हमारे लिए भाई कहना ही क्या है, दैट्स गुड बेटर है। ये 2023 में आया था, एक साल पुराना फंड है, 1.5 साल पुराना फंड है, 1482 करोड़ की फंड साइज है, एक्सपेंस रेशियो 0.44 है, बाकी इंफॉर्मेशन नॉट गिवेन बिकॉज आप देख रहे हैं कि भाई इसमें जो है इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्योंकि क्योंकि ये बहुत पुराना फंड नहीं है, इसलिए इसमें बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आपको नहीं कवर किया है, नहीं दिया है, लेकिन हम आशा करते हैं कि भाई आप इन सारे फंड्स को पसंद किए होंगे, या आपका कोई चॉइस है, आपका कुछ सजेशंस है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम हमारे व्यूवर्स हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, और वीडियो पसंद आती है तो वंस अगेन सेम थिंग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।